उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा के अखंड भारत न्यूज जिला संवाददाता एवं मानव सेवा संस्था उत्तर प्रदेश महामंत्री भगवती प्रसाद सोनी ने अन्न जल छोड़कर 26/1/2020 से अमरण अनशन शुरू किया। आज अन्य न्यूज चैनल के ब्यूरो एवं प्रदेश अध्यक्ष मानव सेवा संस्था रमन दीक्षित एवं अन्य पत्रकार बंधुओं और मानव सेवा संस्था पदाधिकारी गण्य आला अधिकारियों से न्याय की प्रकाष्ठा दर्शाने की अपील की। अनशनकारी भगवती प्रसाद सोनी जी ने मांग की कि उनके पुत्र की हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए एवं भ्रष्टाचारी अधिकारी पर कार्रवाई कराई जाए। इसके पूर्व में भी वह 4 बार अमरण अनशन कर चुके हैं। इस बार अमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिला प्रशासन पीड़ित की बात नहीं करा देता है। जिला प्रशासन झूठी दिलासा देकर अनशन समाप्त करा देता है। परिणाम सदा की भांति नगण्य रहते हैं। इस बार मरणासन तक या न्याय के लिए अनशनकारी की सहायता में मानव सेवा संस्था में पदस्थ सूरजभान सोनी, अरविंद अनुरागी, अकील, जतन सिंह, हेमंत सभी लोग मौजूद रहे जो पत्रकारिता से संबंधित हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार अनुरागी है। जी, आपका क्या नाम और किस चीज को लेकर अनशन चल रहा है और किस विभाग के हैं ये जो इतनी भीड़ और पत्रकार बंधु साथ दे रहे? मेरा नाम अरविंद कुमार अनुरागी, मानव अधिकार मीडिया से जिला संवाददाता है। जो आज हमारा पूरा मीडिया परिवार है, जो मानव सेवा संस्थान के माननीय भगवती प्रसाद जी महामंत्री हैं, जी अपनी आमरण अनशन पर अड़े हुए हैं। जो इनकी मांग है, 2017 में इनकी बच्चे की डेथ हुई थी, उसकी सीबीआई निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। जो जिले के आला अधिकारी हैं, वो अभी तक 3 दिन बीतने वाले हैं, अभी तक कोई भी यहाँ पर जिले का आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी कोई भी सुनने के लिए यहाँ पर इनकी बात आए नहीं है। ग्रुप के अखंड भारत न्यूज, स्टार न्यूज और मानव अधिकार सेवा संस्थान से भी है, सी न्यूज है। तो हमारा पूरा पत्रकार मीडिया बंधु है, मानव अधिकार सेवा संस्थान से सभी ग्रुप आए हुए हैं और हमारी निष्पक्ष जांच सीबीआई की मांग और जिला प्रशासन उसको प्रोसीड नहीं कर रहा है शासन के लिए, ये उनकी मांग है। वो कहते हैं जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तो मैं अपने जो है अमरण अनशन को मरण अनशन तक ले जाऊँ। जी, कितने दिनों से ये अनशन चल रहा है? 26 जनवरी से शुरुआत की थी इन्होंने, आज तीसरा दिन है, लगभग 56 घंटा बीत चुका है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी जिला प्रशासन अधिकारी अभी तक रूबरू नहीं हुआ। अभी SDM साहब जो कि मौके पे भी थोड़ी कुछ देर पहले आए थे, वो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि आप जो है अपनी मांगे बताइए और इसके बाद वो चले। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या? पुलिस प्रशासन का हर का प्रकार से कार्यक्रम पूरा नगर है, कोई भी सुविधा नहीं है। आज ये मरण अनशन भगवती प्रसाद सोनी जी चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है और कब खत्म होगा? मैं रमन दीक्षित, मानव सेवा संस्था उत्तर प्रदेश से हूँ। भगवती प्रसाद सोनी के पुत्र की हत्या हुई थी 2017 में। अखंड भारत न्यूज के लिए हरि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, महोबा।